नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज बताइएगा, आज आपके यहाँ कैसा माहौल है? मेरे यहाँ तो इतनी बारिश हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे जो है बिल्कुल उबन होने लगी है। और घर तो घर लग ही नहीं रहा है, कपड़े की दुकान ज़्यादा लग रहा है। कुछ कपड़े हैं जो सूख चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल इतनी बुरी हालत में है कि उसको 2-3 दिन लगेंगे सूखने में। तो देखिए कितने दिन लगते हैं सूखने में। तो जो है बस आप क्या बताऊँ, बिल्कुल जब बारिश हो रही थी तो भी प्रॉब्लम थी, बारिश नहीं हो रही है तो भी प्रॉब्लम है। आप बताइएगा कि आपके यहाँ भी बारिश का क्या यही हाल है? मेरे यहाँ तो बहुत बुरा हाल है भाई, मैं क्या बताऊँ, बिल्कुल इतना परेशान है कि बता नहीं सकती। मैंने अपने घर में परिवर्तन किया है तो एसी को करने में ही काफ़ी ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। तो चलते हैं चाय पीने। चाय बन चुकी है और मैं अभी सबको चाय दे चुकी हूँ और इसको मैं लेके जा रही हूँ ऊपर अपनी चाय पीने के लिए, क्योंकि कुछ कपड़े हैं उसे भी देख लें। शाम को सूर्य जो है अब थोड़ी देर में डूबने वाला है, मतलब इतनी भी शाम अभी नहीं हुई है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत शांति लग रही थी। और जो है वही तो मैं ऊपर आई तो मैंने कहा आप लोग को भी दिखा देती हूँ। तो अभी हमारे यहाँ बनने जा रहा है पतोड़े की सब्ज़ी। पतोड़ा मतलब अरबी के जो पत्ते होते हैं ना, उसी की सब्ज़ी बनेगी और उसी की कुछ पकौड़ियाँ भी बनेंगी जो अभी हम लोग शाम को खाएंगे स्नैक के तौर पर। तो ये है बेसन, और बेसन में हम लोगों ने ले लिया है इसमें आमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा जो है गर्म मसाला पाउडर, और उसके बाद ऐड करेंगे नमक जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और नमक थोड़ा सा कम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पकौड़ी है तो थोड़ा सा जब मिलाते हैं इसका बेसन को मिलाएंगे उस समय भी डालना है, और उसका जो सब्ज़ी होगी उसमें भी डालना है। तो उसी के हिसाब से जो है उसमें नमक अपने अंदाज से ही डालते हैं और इसको अच्छे से जो है हमारी माता जी जो हैं इसको फेंट ले रही हैं, और इसको ना लपेटने का काम वही करती हैं। मैं सामान ला कर दे रही थी तो मम्मी जो है इसको लपेट लेंगी, और लपेटने का काम तो मम्मी ही करती हैं, क्योंकि जब तक मैं जब वो लपेटेंगी तब तक मैं जो है स्टीम वगैरह के लिए पानी वगैरह चढ़ा दूँगी। और ये ना जितना भी घोल तैयार हुआ था बहुत थिक बनता है, थिक वो फेंटा जाता है बेसन के साथ जो और मसाले सब हैं। और अब उसको ऐड करके जो है इसको एक एक पत्तों के बीच में लगा लगा कर उसको चिपकाते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर रख के इसको फोल्ड करते हैं। और जो है इस काम में थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये इस भी जो है हम लोग की तरफ इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो इसलिए जो है इसको जो है बना ले रहे हैं। आज थोड़ी सी सब्जी पकोड़े के काम आ जाएगी खाने के, और थोड़े से जो है इसके ग्रेवी लगा देंगे तो वो रात के खाने में इस्तेमाल हो जाएगा। और जो है थोड़ी मेहनत का काम है लेकिन बहुत अच्छा लगता है। और एक एक पत्तों को जो है ना ऐसे ही लपेटना एक एक पत्तों के ऊपर तो थोड़ा सा समय लग ज़्यादा लगता है इसमें। और ये देखिए इसको कितने आसानी से वो फोल्ड कर ले रही हैं। तो जब तक वो फोल्ड कर रही थी तो मैं वीडियो बना रही थी, उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है ये सब करना कुछ ना कुछ। ये देखिए कितने आराम से उन्होंने फोल्ड कर लिया है, और इसको ना स्टीम होने के लिए अभी रख दूँगी, स्टीम हो जाएगा। और स्टीम होने के बाद जो है इस बिल्कुल अच्छे से पक जाता है। इसका एक बैच जो है वो स्टीम होने के लिए मैंने रख दिया था, और ये दूसरा बैच है, और ये दूसरे वाले में ये दो ही बने हुए, और मैं ये लगा कर देख रही हूँ कि अंदर तक पका है कि नहीं। और ये बिल्कुल अच्छे से अंदर तक पक चुका है। अब इसे मैं इस निकालूँगी, और निकालने के बाद जो है इसको ये ठंडा भी हो चुका है, काफ़ी देर हो गया है तो ठंडा हो जाता है ना, तो पीसेस ज़्यादा आराम से कटते हैं, और जब गर्म गर्म काटते हैं तो उतना अच्छे से पीस नहीं कटता है। तो इस बर्तन को मैं रख दे रही हूँ सिंक में क्योंकि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, दो बैच बने थे, दो बैच ही काफ़ी हैं उसके लिए। और ये पानी भी है सब, मैं इसको फेंक दे रही हूँ यहाँ पे। अब इसे जो है छोटे छोटे पीसेस जैसे आपका जैसे मन हो, मोटे या में थोड़ा या पतले शेप में
इसको मैं इसके पीसेस काट लूँगी और ठंडा होने के बाद काटिए। ठंडा होने के बाद ना ये बहुत अच्छे से कट भी जाता है और बहुत अच्छा जो है वो रहता है, और गरम गरम रहता है तो वो चीज़ नहीं हो पाता है, वो फैल जाता है। तो जब ये ठंडा हो गया है तभी मैंने इसे काटा है, और देखिए कितना आराम से कट जा रहा है एक हाथ से। एक्चुअली मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है ना तो प्रॉब्लम हो रही है, तो इसे मैं आपको सिर्फ काट के दिखा रही हूँ। और ये बिल्कुल अंदर तक पका हुआ, और ये इसमें खटाई डालना बहुत ज़रूरी है। खटाई तो बिल्कुल ही नहीं भूलते हैं, वो तो अच्छे से याद रहता है कि इसमें खटाई डाले हैं, क्योंकि होता है ना थोड़ी सी खराश ऐसी हो जाती है। लेकिन फ़िलहाल जो मेरे यहाँ जो पत्ते लगे हुए हैं ना, इसे कोई खराश वगैरह नहीं होती है। बहुत ही छोटे छोटे पत्ते थे, ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो दिक्कत करते हैं, लेकिन जो छोटे सॉफ्ट होते हैं नहीं दिक्कत करते। अब इसको मैंने चावल का थोड़ा सा आटा है हमारे पास, तो चावल के आटे का हल्का सा पतला सा घोल बनाया है, और उसमें भी हल्का सा नमक ऐड किया था, और इसको डिप कर करके मैं इसको तवे पे ही फ्राई कर ले रही हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगता है, बहुत अच्छा होता है और गैस बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, क्योंकि ज़्यादा तेल वगैरह नहीं लगता और तवे पर बड़े आराम से बड़े आसानी से ये पलट जाता है। ये भी नहीं है कि आप तवा में चिपकेगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल बड़ा बहुत ही आराम से निकल जाता है। और इसी तरह से मैंने जो है आधे निकाल लिए थे सब्जी के लिए, और इन आधे जो है इसको निकाल लिया है ऐसे ही, मतलब पकौड़े के तरीके खाने के लिए। और करारा करारा बनता है ना तो बहुत टेस्टी लगता है। और ये देखिए कितना टेस्टी बना है, और देखने भी बहुत सुंदर है और खाने में भी बहुत टेस्टी है, और मेरे तरफ इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। गुड मॉर्निंग, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यहाँ की ठंडी ठंडी सुबह में। और ये आज मेरे यहाँ ना काफ़ी बरसात के बाद, आज रात बारिश नहीं हुई है, और उसके बाद की ये सुबह है, इतनी शांत है, इतनी शीतल है, और इतना अच्छा लग रहा है, एकदम ठंडी ठंडी सुबह है, और आज तो हवा भी बंद है। तो इस ठंडी ठंडी सुबह में टहलने का मज़ा ही बहुत अच्छा है, तो आइए आप लोग भी। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 हो रहे हैं, और मैं इस टाइम अपने छत पे हूँ, सोच तो रही हूँ बाहर भी जाऊँ, अभी जाऊँगी थोड़ी देर में। हमारी सुबह की शुरुआत तो किचन से ही होती है, तो बच्चे के लिए स्कूल भेजना है तो उसके लिए टिफ़िन बनाना है, तो टिफ़िन में बना रही हूँ मैं जवे कह लीजिए, या कह लीजिए नमकीन सेवई बना रही हूँ। तो नमकीन सेवई तो मैंने रोस्ट कर लिया है, और रोस्ट करने के बाद जो है अब मैं इसमें प्याज मिर्ची वगैरह जो होते हैं, थोड़े से मसाले, धनिया और हल्दी जो भी घर में मौजूद है। भाई मैगी मसाला मेरे पास है नहीं, तो मैंने मैगी मसाला डाला भी नहीं है, और बिना मैगी मसाला के भी बहुत टेस्टी बनता है, तो उसमें मैंने ऐड कर दिया है प्याज और मिर्ची, और जब वो हल्की सी सौती हो गई है तो मैंने ऐड कर दिया टमाटर, और थोड़ा सा इसको जो है मैं चला लूँगी। जब थोड़ा हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें हल्का सा नमक, और नमक के साथ जो है ऐड कर देंगे धनिया पाउडर थोड़ा सा, और हल्का सा धनिया, मैंने हल्दी इस्तेमाल किया है, और ये बहुत टेस्टी बनेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मसाले लगते हैं, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है सेवई जो कि पहले से रोस्ट किया हुआ था, वो डाल दिया है, और डालने के बाद ना इसको ढक दिया, और ये बहुत जल्दी बन जाता है, और बच्चे भी बहुत मन से इसको खाते हैं, और बहुत टेस्टी बनता है। और ये देखिए बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, चिपचिपाता नहीं है, एक दूसरे में चिपके नहीं है, और इसको मैं ऐसे ही बंद करके रख दूँगी, और इसमें पानी हल्का सा पड़ता है। सब्जी कटी हुई रखी हुई है, सब्जी कटी रखी है, दाल बनी हुई है, चावल चढ़ा हुआ है, दूध हो चुका है, लेकिन बस अब क्या नहीं है, सिलेंडर नहीं है। ये देखिए सब कुछ है, सब कुछ इंतज़ाम है, लेकिन खाना नहीं बन सकता क्योंकि सिलेंडर ख़त्म हो गया है मौके पे। और ये रहा सिलेंडर, सिलेंडर ख़त्म हो चुका है। अभी ये लाने गए थे तो सिलेंडर जो है आ गया, लेकिन सिलेंडर को आने में काफ़ी समय हो चुका है, और ये जा चुके हैं। आज बिना खाए इनको जाना पड़ा, क्योंकि खाना भी जो बनता है वो क्या बनता है, जो है सिर्फ दाल पकी हुई थी, ना उसको छौंक सकते थे ना बघार सकते थे,
और चावल वगैरह, चावल भी बस ऐसे ही चढ़ा रह गया था, सब्जी कटी रह गई तो बना कुछ भी नहीं, तो आज उनको ऐसे ही जाना पड़ा। तो बस क्या बताऊँ, आज बहुत ख़राब लग रहा है, क्योंकि कहते ना दिन भर बाहर रहना है और खाओ घर से खा कर ही नहीं है, तो ऐसे ही होता है। तो जो थोड़ी सी जवे मैंने बनाए थे, सेवई बनाई थी, नमकीन सेवई जो बची हुई थी बच्चों के लिए, तो वही मैंने थोड़ा सा दे दिया, तो ये खा कर गए। और बस उसके बाद सिलेंडर आ गया तो खाना बना ले रहे हैं, और खाना भी क्या बनेगा, बस जल्दी जल्दी जो है सो बन जाए। और आज छोटा वाला आज मेरा फिर स्कूल नहीं गया, इसको स्कूल जाने के नाम से ना बहुत प्रॉब्लम है। तो फाइनली ये बोल रहे हैं कि सिलेंडर आ गया, अपना बना लो। नमस्कार दोस्तों, मैं अमृता, स्वागत करती हूँ आपका। और आज मैं कहाँ बैठी हूँ, मैं बैठी तो उसी कमरे में हूँ जिस कमरे में कई बार आपको वीडियो दिखा चुकी हूँ। मैंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है घर, थोड़ा सा उसका जो है चेंज कर दिया है, अच्छा लगता है जब चेंज हो जाता है तो। और आज सुबह सुबह जो है अच्छा खासा हमारा पोपट बन गया, सिलेंडर ख़त्म हो गया और इसकी वजह से जो है दिक्कत हुई। और अभी जाके सिलेंडर आया है तो अभी जाके खाना, थोड़ी देर पहले मैं खाना वगैरह बना कर आ रही हूँ। और जो है बहुत दिक्कत हो जाती है अगर सिलेंडर वगैरह जो है मौके पे ख़त्म हो जाए, ऐसी उम्मीद तो नहीं थी लेकिन अब ख़त्म हो गया, तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत हुई, बिना खाए उन्हें जाना पड़ा। होता है ना कभी कभी इस तरह की चीज़ें हमारी हो जाती है, चाहे जितना भी इंतज़ाम किए रहो लेकिन ऐसा कुछ हो जाता है कि सब बिल्कुल बेकार लग जाते हैं। तो अभी बस जस्ट मैं अभी अपना सारा काम वगैरह ख़त्म करके खाना वगैरह बना कर अभी आई हूँ, तो मैंने कहा कि ये वीडियो बहुत जो है इसके आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, तो इसको यहीं पर एंड कर देती हूँ। और जो है आप बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आपका ब्लॉग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और बगल में जो बेल बटन है ना उसको ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। और अभी जो बदलाव हुए हैं घर में, जो मैंने भी कुछ बदलाव किया है, वो जल्दी ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो कुछ चीज़ें हैं जो अभी आना बाकी है, तो वो आ जाती है तो जब सेटअप बनने तैयार हो जाएगा, अच्छा से हर चीज़ सेट हो जाएगा, तो उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उसे। और जो है बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई चीज़ों के साथ, जो है नए दिन नई शुरुआत के साथ। तब के लिए बाय बाय।